हैप्पी न्यू ईयर और मेरी क्रिसमस मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों मैं मनोज आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोज जिला ब्लॉग्स में फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों मेरे नागपुर के सफर को आप लोगों ने काफी प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों नागपुर के सफर को कंटिन्यू करते हुए चलिए मैं आज आपको नागपुर के फेमस चाय वाले के दुकान पे लेके चलता हूँ, जो यहाँ पे डॉली चाय वाले के नाम से फेमस है। तो चलिए और आपका ज्यादा समय न नष्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय हिंद। अब बीसीए ग्राउंड के सामने खड़े हैं। पहले इंटरनेशनल मैचेस कहीं यही ग्राउंड में होती थी, अब ये छोटा होने की वजह से नया ग्राउंड नागपुर से 12 किलोमीटर जामठा में बनाया गया है। अभी सारी इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस जामठा में होती है नागपुर की। यही वो फेमस ग्राउंड है जो यही जो फेमस ग्राउंड है, यहाँ पहले मैचेस होती थी, पहले सचिन सौरभ गांगुली को सब यहीं खेलते थे। अच्छा। इंटरनेशनल मैचेस। ठीक उसी के उल्टी तरफ नागपुर के सबसे फेमस चाय का दुकान, जिसके ओनर को डॉली चाय वाले के नाम से सिर्फ हमारे प्यारे भारत वर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको अपने कैमरे के माध्यम से डॉली चाय वाले से मिलाता हूं और उनके चाय बनाने से लेकर चाय देने के अंदाज तक को दिखलाता हूं। मैं कलकत्ता से आया हूं। आप कलकत्ता से हूं? जी हाँ। आपके बारे में बहुत सुना था। सुने थे? और हाँ, वीडियो के थ्रू सुना भी था, देखा भी था। कैसा लग रहा है आपको लाइव मिलके मेरे से? बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो डॉली चाय वाले किसी के फेम के मोहताज नहीं है, अपनी कड़ी मेहनत, लगन और अपने स्टाइल के बदौलत आज सभी के दिलों में अपना जगह बना लिए है। अपने स्टाइल में दो जैसे देते थे। और एक सेकेंड और देंगे सर।